खोराबर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खोराबर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश अमरजीत जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। पकड़ा गया आरोपी खोराबर थाना क्षेत्र के कुसमही बाजार गांव का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी पर जमीनी विवाद को लेकर अपने भाई के घर कार्बाइन रखकर उसे फंसाने का आरोप है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा, तो वही है ना, जो भाई को फंसा रहा था गर्म का नहीं, तो पुलिस भी एक आदमी पर कार्रवाई नॉर्मल करके तपा के लेने गया था वहाँ बिहार में। यह जनपद की क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और इंस्पेक्टर खोराबार की ज्वाइंट टीम ने 10,000 रुपये के इनामी अपराधी अमरजीत जायसवाल को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए विगत लगभग एक मास से प्रयास किया जा रहा था, ये फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। विगत दिनों में इन्होंने अपने सगे भाई शेषनाथ जायसवाल को फंसाने के लिए अपने दो सहयोगियों शुभम मिश्रा और इनके पड़ोसी हैं जितेंद्र भुज, उनके साथ अपने भाई शेषनाथ जायसवाल की छत के ऊपर कार्बाइन को रखवाया था। और इसके बाद इनके ही सहयोगियों ने पुलिस को सूचना दिया था कि अमुक स्थान पे कार्बाइन रखी हुई है छत के ऊपर। जब इसकी गहराई से छानबीन की गई तो पूरे रहस्य का पर्दाफाश हुआ और इस पूरे षड्यंत्र में 3 आदमी शामिल थे। इन लोगों ने कार्बाइन को खरीद के अपने भाई की छत पर रखवा के उसको पूरी तरह से फंसाने का प्रयास किया था। निष्पक्ष जाँच होने के बाद जब कहानी सामने आई तो यही असली मुजरिम साबित हुए और उसमें अंतिम मुलजिम यत्न को गिरफ्तार किया गया। किस लिए फंसाने का प्रयास किया? इनका इनके भाई के साथ एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। इनके पिताजी नहीं हैं, इनकी माताजी हैं और साथ में जो इनका पड़ोसी है, इनके भाई का पड़ोसी, उससे भी कुछ विवाद चल रहा है। तो मतलब शत्रु का शत्रु मित्र, तो इन्होंने इस योजना के तहत अपने जो इनका भाई है उसके पड़ोसी को मित्र बनाया और दोनों लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन जनपद के एक शार्प शूटर से इनके बड़े अंतरंग संबंध हैं, ये हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई, इसमें जो पहले गिरफ्तार हुआ था व्यक्ति शुभम मिश्रा, उसकी जमानत सेशन कोर्ट से खारिज भी हो चुकी है, उनकी बेल हाई कोर्ट गई। भाई हमारा मतलब वो 4 पुलिस का जी RTI का काम ही करता है, हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। वो हमारी माता जी को साल भर से लेकर आया और पूरी प्रॉपर्टी जो हम अपनी 20 साल की कमाई अपनी जब मजदूरी करके बनवाए तो वो माता जी के नाम से था, वो अपने नाम लिखवा लिया। उसके बाद हम कई बार गए अपने माता से बात करने, ख्याल कहाँ जाएगा कि असलाह रखवा दिया जाए तो ये शुभम कैसे पूरे कुश्मी में कोई काम ही करता था, लड़कों को डरा के दुकानदार से पैसा ले लेता था, ये करता था वो करता था, उससे रिलेशन नहीं रिलेशन वाले तो लेबर मजदूर फूल का काम करने तो इसी में सब कुछ होते नहीं। आया मरीज कहा कि इसी से बात हम करा देंगे, ठीक है कहा कि 10 कर दे तो हम करा देंगे। हर दुकानदारों लड़कों को उसमें भी डरवा को पैसा ले लेता था, 24 घंटा नशा में रहता था। नहीं, फंसाने के लिए देते उसके कि हमारा तो मैटर सॉल्व करा दो, वो आखिर कहाँ से आएगा? वो उसका काम ही वही था, इधर फंसाना ये करना, 24 घंटा फोन पे लगा रहता था, ये करना वो करना, आता था घर पे डरवा के कहता था नहीं पैसा। बिहार से लाया किसी पहले सुनियोजित ढंग से जब रात में ऑपरेशन करने की बात हुई तो उन लोगों ने मना कर दिया था, उसने मना किया तो थोड़ा सा उसी समय हुआ था क्योंकि बरामदगी हुई। उसके बाद एसपीसीटी साहब ने उसमें पूछताछ किया था तो उसमें जाके और ज़्यादा स्पष्ट हुआ, ठीक है प्रथम दृष्टया तो हम लोग उसी को दोषी मान रहे थे जिसके घर से बरामद हुआ, दोषी मान के बरामदगी हम लोग वहाँ लगभग कर चुके थे। लेकिन साहब के द्वारा जब वहाँ पूछताछ किया गया, एसपी साहब भी थे, तो चीज़ें स्पष्ट होकर निकल के गई। तो बहुत ही सुनियोजित ठीक है ढंग से उसको प्लांट किया गया छत के ऊपर, इस प्रकार से पाया जाएगा। और जैसा कि सर ने बताया कि ये जिले के एक बहुत ही
कुख्यात एसआर शूटर से भी इन लोग के ताल्लुकात रहे। शुभम मिश्रा काफ़ी करीबी रहा है, उस पर भी काम चल रहा है।